हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे आज का दिन का जो स्टॉक मैंने इस वीडियो पे सजेस्ट किया हुआ था कैसा परफॉर्म किए, साथ ही साथ कुछ स्टॉक जो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए, मतलब आप मंडे के लिए, अभी तो सैटरडे संडे क्लोज है, मंडे मतलब 20 जनवरी 2020 के लिए बहुत ही अच्छे पोजिशन पे मिल रहे हैं, उनका आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर ले क्योंकि बहुत रोज रोज इस चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस आपके सामने रखता हूं, जो कि मेरे खुद के एनालिसिस होते हैं, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक जो मैं टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट करता हूं बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जिसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, एंड इस चैनल को एक वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये सारे स्टॉक जो अभी आपके वॉच लिस्ट में अभी दिख रहे हैं, ये सारे स्टॉक मैंने इस वीडियो पे आपको जाके बोला था। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, पहला जो स्टॉक है वो है इंडसलैंड बैंक का। तो देखिए, इंडसलैंड बैंक मैंने बोला था कि इसको डाउन साइड पे व्यू रख के चलिएगा, लेकिन इसमें ओपनिंग ही, वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट है, इसमें ओपनिंग ही बिल्कुल बहुत ही गैप डाउन हुआ है। तो मेरा जो टारगेट के नीचे ओपनिंग हुआ था, मतलब इस रेंज के नीचे ओपनिंग हुआ था, तो इसमें मैंने और कुछ ज्यादा पोटेंशियल नहीं रहता है। एक स्टॉक में अगर बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो, मतलब 2% के लगभग आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर हम इसको ज्यादा सेलिंग साइड पर रिव्यू नहीं रख सकते, इसलिए इसमें जो है हमारा ट्रेड नहीं बना था। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईजीएल का। देखिए, आईजीएल मैंने बोला था कि ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वन डे का ये कैंडल बना हुआ था, इसको मैंने बोला था 15 मिनट पर ट्रेड करिएगा, मतलब प्रोवाइडेड कि 15 मिनट का जो पहला 15 मिनट का जो रेंज बने वो प्रीवियस डे हाई पे बने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं 5 मिनट में जाके आपको दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा, ये जो 15 मिनट का जो रेंज बना है यहां से लेके यहां तक का बना है, है ना। यहाँ पे मैं हाई मार करता हूँ, यहाँ पे आप मैं लो मार करता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट का रेंज यहां से लेके यहाँ। देखिये, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब आप देख सकते हैं टाइमिंग में, देखिए 11 बजे ये ब्रेक किया, और 11 बजे ब्रेक करने के बाद देखिए इतने कितनी बड़ी इसमें जो मोमेंटम आई है, और ये मोमेंटम आपको लगभग 1:1 का प्रॉफिट देखे गया है कि नहीं। आप यहां से अगर लगा लेते, क्योंकि देखिए लोग ब्रेक नहीं हुआ था, एंड हाई जो बना था वो प्रीवियस डे हाई पे था, प्लस ये ब्रेकआउट स्टॉक था, 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे था, 20 और 30 वो भी ऊपर था, मतलब स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर था। तो इतने सारे प्रोबेबिलिटी के बाद मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है कि आपको वो अपना टारगेट हिट करके देना, एटलीस्ट 1:1 का आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, है ना। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मोमेंटम किया, और ये मोमेंटम कब हुआ, इतनी पोटेंशियल स्टॉक में है कि स्टॉक मोमेंटम 11 बजे से शुरू हुआ एंड वो जाके 11:50 में जाके आपका टारगेट दिया। जबकि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखिए, निफ्टी 11 बजे से 11:50 तक क्या कर रहा था, देखिए 11 बजे से लेके 11:50 तक लगभग यहां से लेके यहां तक डाउनफॉल जा रहा था, लेकिन हमने कौन सा स्टॉक पे बाय किया, जब निफ्टी अपोजिट डिरेक्शन में था तब हमने ये स्टॉक बाय किया जो कि एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल स्टॉक था, मतलब आप समझ सकते हैं निफ्टी के अगेंस्ट जाके ये स्टॉक इतना अच्छा मोमेंटम दिया है। तो ये एक आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, एंड इसी तरह का मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं कि जिसमें पोटेंशियल ज्यादा रहे, वो निफ्टी को ना फॉलो करे। बहुत सारे स्टॉक आप सही लेवल पे खरीदते हो लेकिन निफ्टी की मोमेंटम आपका जो लेवल है उसको बिगाड़ देता है ना, तो उस चीज को आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है। तो इसमें आईजीएल में जो है आपका जो टारगेट इसमें अचीव हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट जो स्टॉक था, मैं आज इसमें बिजी था, मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसके लिए मैंने खुद टेलीग्राम चैनल पे भी देखिएगा मैंने कोई भी जो ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पे भी आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो मैंने कोई भी आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, मेरा वॉइस भी आपको जो है हैवी हैवी लग रहा होगा, सर्दी हुआ है मुंबई में बहुत, 4 साल से लगभग अभी जो थोड़ा ठंड महसूस हो रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में तो कुछ भी नहीं था मुंबई में। तो ये था मुथूट फाइनेंस का। देखिए, मुथूट फाइनेंस में मैंने बोला था कि इसको ब्रेकआउट स्टॉक है क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, मैंने बोला था कि अगर ये हाई के ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड करना, लेकिन आज के हाई के ऊपर निकला ही नहीं है, है ना।
नेक्स्ट जो स्टॉक थे वो है मन्नपुरम। तो देखिए मन्नपुरम में क्या हुआ है, ये भी एक जो है कंसोलिडेशन स्टॉक की जैसे काम किया है, मतलब प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया ही नहीं है। आप देख सकते हैं 15 मिनट का रेंज विद इन दैट बना, और 15 मिनट का रेंज में पूरा दिन ही ट्रेड करते रहा, ना ऊपर क्लोज किया ना नीचे, नीचे तो यहाँ पे जाके 2 बजे के बाद जाके लो ब्रेक किया। तो आप समझ सकते हैं इतना जो कंसोलिडेशन इसमें हुआ है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है नेक्स्ट डे के लिए। इसको जरूर आप वॉच लिस्ट पे बना के रखिएगा, और ये टारगेट जो मैंने दिया है, देखिए ये टारगेट जो मैंने दिया है वो आपको जरूर अचीव होते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट वीक में। देखिए ये ट्रेंड लाइन को देखिए कितने अच्छे तरीके से ये जो है सपोर्ट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखिए 1 2 3 यहाँ पे ही 3 टाइम, और ये फोर्थ टाइम यही पे ही रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 1 बार 2 बार फिर इसी ट्रेंड लाइन को वो जरूर टच करेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। अगर ये जो है कल का हाई को मतलब 184.40 को ब्रेक करता है विद इन 15 मिनट, अगर स्टार्टिंग का ब्रेक करता है, तो इसमें एक थ्रू आउट द डे अच्छा खासा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आप जरूर ट्रेड करें इस स्टॉक को, एंड आपको जो है टारगेट इस लाइन ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अदानी एंटरटेन का। तो इसमें देखिए इसमें एक ट्रिपल टॉप जैसा बनाया हुआ था, मैंने कल ही इस वीडियो पे आपको बोला था। तो आज के दिन देखिए ये ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया, तो इसको एक हाई प्रभाव मल्टी ट्रेड है, इसको आप मंडे पे वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखें। मैं बताऊंगा अभी मंडे में कौन कौन सा स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में था। तो आज के दिन देखिए क्या, 5 मिनट में जाके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए 5 मिनट में ये ओपन हुआ लो के नीचे, मेरा जो था कि इसमें अगर देखिए ओपन बिल्कुल लो के नीचे हुआ, ठीक है लो के नीचे हुआ तो मैं इसमें सेलिंग साइड पे मेरा व्यू था, लेकिन ये 15 मिनट का जो रेंज बनाया यहां से लेके यहां तक, जिसे 15 मिनट को ब्रेक नहीं कर पाया, साथ ही साथ 200 डेज से भी इसको रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, और ये ऊपर चल दिया, ऊपर ये जाके हाई को ब्रेक किया, मतलब यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम ये ऑलरेडी दे चुका था। तो जब स्टॉक इतनी बड़ी मोमेंटम कर चुका होता है तो इसमें और ज्यादा पोटेंशियल इंट्राडे में एटलीस्ट नहीं रहता है कि वो और ज्यादा मोमेंटम करे एक ही दिन में, है ना, और 2-3% का मोमेंटम आपको दे इंट्राडे में, क्योंकि ऑलरेडी 2-3% का मोमेंटम हो चुका होता है स्टॉक में, इंट्राडे में 2-3% का मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने जो है अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर बना कर रखिए मंडे के लिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। देखिए अपोलो हॉस्पिटल में भी आज एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है, मैं आपको वन डे में दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है ये उसका रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। इसका जो क्लोजिंग है लगभग इसके हाई के आसपास है, तो आप देख सकते हैं इसका हाई और क्लोजिंग बिल्कुल सेम है 1624। तो इसमें उम्मीद है कि मंडे को एक गैप ऑफ ओपनिंग हो, अगर 1% से ज्यादा गैप ऑफ ओपनिंग नहीं होता है एंड लगभग इसका हाई के आसपास 15 मिनट का हाई बनता है कल मंडे को, तो इसमें एक 15 मिनट ब्रेकआउट पे जरूर ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक में। इसमें एक हाई पोटेंशियल है कि ये स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो ये सारे स्टॉक हो गए, जिसमें से देखिएगा जो स्टॉक बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है वो है IGL, एंड बाकी सारे स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं मिले। तो देखिए स्टॉक में ट्रेड नहीं मिलना वो अलग बात है, लेकिन आप कोई गलत ट्रेड लेके अपना जो पैसा वो स्टॉप लॉस हिट करे वो भी गलत है ना, तो उससे सबसे ज्यादा गलत है। तो फिर आप एक ही ट्रेड करें, मेरे हिसाब से आप जाके मेरे सारे वीडियोस देखिएगा, मैं एक या दो ट्रेड करता हूँ पूरा दिन बैठ के, किसी दिन तो एक भी ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसे आज मैंने नहीं किया है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, एंड ये जाके सारे वीडियोस आप जरूर जाके देखिएगा, तो आपको जो है एक एनालिसिस आपको बेहतर इस चैनल के बारे में आपको मिले। तो क्विकली हम देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन से ऐसे स्टॉक है, 9 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे स्टॉक है जो मेरे अभी तक वॉच लिस्ट पे है,
अगर 2 दिन का छुट्टी है, मेरे कोई भी स्टॉक अगर मुझे अच्छे वॉल्यूम अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर मिलते हैं तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर डाल दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए IOC, देखिए IOC में अभी ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट के आसपास आ चुका है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक सप्लाई जोन है, आप मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ से उसको एक ऊपर जाने की उम्मीद है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो इसमें आप बाय साइड पे हमारा जो व्यू रहेगा, अगर यहाँ से वो ऊपर जाने लगता है तो हम बाय साइड पे रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो अभी इसमें जो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी इसमें हम नहीं देखेंगे, इसमें हम बाय साइड पर रखेंगे। अगर ये हायर हाई बनाते हुए 15 मिनट को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है फिर इसमें हम बाय साइड पर ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अदानी एंटरटेन का, इसको आप मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, ये जो ट्रिपल टॉप जैसा बनाया हुआ था आज उसके ऊपर जाकर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज दिया है। अगर 15 मिनट का रेंज इसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर बनता है, हाई के ऊपर बनना चाहिए 15 मिनट का रेंज, फिर जब 15 मिनट का ब्रेक हो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके 15 मिनट के लो के नीचे लगा सकते हैं 1:1 को, तो इसमें आपको हो जाना बिल्कुल चाहिए प्रोवाइडेड 15 मिनट के रेंज ऊपर क्रिएट हो। सपोज 15 मिनट इसके नीचे क्रिएट होता है विद इन दैट कैंडल, फिर आपको वेट करना है कि प्रीवियस डे हाई कब ब्रेक हो, हाई ब्रेक होने के बाद भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि कब ये स्टॉक इसके हाई से सपोर्ट लेके फिर प्राइस एक्शन का क्रिएशन हो, फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो बिल्कुल आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो अपोलो हॉस्पिटल का, देखिए ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, अभी क्लोजिंग इसकी जो है हाई के आसपास है, बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, इसमें जो व्यू रहेगा बाई साइड पर रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है बर्जर पेंट का, देखिए बर्जर पेंट को मैं यहाँ इसी दिन ही आपको सजेस्ट कर दिया था कि इसमें ये एरो मार्क करके कि इसमें जो है उछाल देखने को मिलेगा, तो इसमें देखिए हमारा टारगेट ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी और भी इसमें पोटेंशियल है कि ये और भी ऊपर जाए, तो इस स्टॉक को आप जरूर अपने ध्यान में बना के रखिएगा। एंड यहाँ से वो ऊपर जाने की और भी चांसेस है, एंड अगर इसका हाई के ऊपर निकलता है 15 मिनट का हाई मंडे का तो इसमें बाय ट्रेड जरूर बन सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HCL टेक का, देखिए HCL टेक जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसने ले चुका था, अब इस रेजिस्टेंस से कुछ दिनों तक यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने कंसोलिडेट किया है, अब ये स्टॉक निकल रहा है इस कंसोलिडेशन से। जब भी कोई स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकलता है अच्छा खासा मोमेंटम देता है, और इस एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसकी ओपन इक्वल टू लो है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट में, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एंड 15 मिनट के हाई के ऊपर आपको बाय करना है, प्रोवाइडेड 15 मिनट का हाई 602 के ऊपर ही बने, ठीक है ना, फिर हम इसमें ट्रेड अगर लो ब्रेक ना करें फिर हाई ब्रेक करता है तो हाई ब्रेक में हम ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट के, और 15 मिनट के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो HCL टेक को आप जरूर अपने वॉच लिस्ट में बना के रखें। तो ये सारे स्टॉक है आप जरूर बना के रखें, चैनल को प्लीज लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे तो इंट्राडे की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपके सामने रिवील करूंगा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।